महिलाओं पर पड़ती है। आज एक दिन भी तीन सालों में ऐसा नहीं रहा जिस दिन से नरेंद्र मोदी की सरकार ने आए दिन मेरी बहनों पर हथौड़ा ना चलाया हो। कभी महंगाई की मार, करने के लिए जिस तरीके का जीएसटी आज लगाया है उससे आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। कभी नोटबंदी की मार, आए दिन बहनों आज यहाँ पर आने का मकसद हमारा इतना ही नहीं है कि हमने एक प्रदर्शन करना है या पार्लियामेंट का घेराव करना है। बहनों, जिस तरीके से इसलिए बहनों आज आपकी थाली बिल्कुल खाली हो चुकी है। आज नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया, भूल गए किया विकास कि सेब में टमाटर में क्या फर्क होता है, ये भूल गए हैं नरेंद्र मोदी। लानत है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जी ने एक और कार्य किया, नया इतिहास लिख दिया हिंदुस्तान ने। वो इतिहास लिखा मध्य प्रदेश ने जो हिंदुस्तान का किसान धरती का सीना चीर कर पूरे देश का पेट भरता है और अपने बच्चों को सेनाओं में भेजकर देश की रक्षा करता है। उस भाजपा की शिवराज चौहान की सरकार ने अत्याचार की सभी हदें पार करते हुए धरती पुत्र के सीने में पुलिस से गोलियां उतरवा दी। क्या कसूर था इस धरती पर आपके बेटे आपके भाई किसानों का जो हाथ मारने के लिए गए थे, हाथ मारा, आज अपनी फसल का समर्थन मूल्य मांगा, अपना कर्जा माफी की बात कही। ऐसी सरकार जो झूठ बोलती थी, नरेंद्र मोदी जी सुबह से शाम तक बहनों राजनीति करते हैं सच की। आज तक हिंदुस्तान में, आज तक अगर हिंदुस्तान में किसान को, गरीब को, महिला को, कर्मचारी को अगर आगे लेकर चले तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी लेकर आई, राजीव जी लेकर आए, श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने गरीब को, मजदूर को, महिला ऐसी कांग्रेस की सरकार थी। नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला, प्रहार किया, हर वक्त पर गोलियां चलवाई, लाठियां चलवाई, दहशत में इस देश को डराना चाहते थे। लेकिन ये देश और इस देश की महिलाएं नरेंद्र मोदी जी हम श्री
सरकार को माफ नहीं करेगी। इसी के साथ मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए पुनः भाजपा की नीतियों को, पुनः भाजपा के नेताओं को चुनौती देती हूँ कि ये आजादी आपको आज हम इस जंतर मंतर की धरती पर जो इकट्ठा हुए हैं ये ललकारते हैं कि अगर एक घेरू अपने घर को सुचारू रूप से चला सकती है सभी दिक्कतों के पास, तो अगर कोई शासक सब कुछ भूल जाता है, राजनीतिक धर्म को भूल जाता है और एक क्रूर शासक बन जाता है जिस तरीके से किसानों को मरवाया, ये हिंदुस्तान की महिलाएं पूरे किसान वर्ग के साथ है, तमाम बहनों के साथ है जिन पर अत्याचार होता है। और हम पुनः एक बात कहते हैं, श्रीमती शोभा चौधरी के नेतृत्व में कसम खाकर जाते हैं अगले लोकसभा के चुनाव में हम माननीय राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये हम चुनौती देते हैं इस देश की आधी आबादी कांग्रेस को सत्ता में फिर से लाएगी। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय श्रीमती शोभा ओझा जी।